आखिर चुनाव में कांग्रेस की हार भला क्यों हुई। तंवर ने कहा है कि हर एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह आकलन करना होगा कि आखिर उनकी ये कमजोरी क्या रही है। हार के कारणों को जानने के बाद मेहनत करनी होगी ताकि विधानसभा चुनाव में हम मजबूती से वापसी कर सके। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत अशोक तंवर ने पीएम मोदी और भाजपा को उन्हें मिले जनादेश के बाद बधाई के तौर पर दी। हम मोदी जी को और मोदी जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को बधाई देते हैं जिनको ये जनादेश लोगों ने दिया। और एक बार फिर, क्योंकि मोदी जी कहते थे कि एक मौका और दो, तो 10 साल पूरे उनको दिए ताकि वो अपने चुनावी वायदे पर पूरा कर सकें। और हमें विश्वास है कि वो लोगों की उम्मीदों पर आने वाले दिनों में खरे उतरने का था। पार्टी ने जिस तरीके से पूरे चुनाव को पोलराइज किया, लोगों के बीच में घृणा पैदा करने का काम किया, सेना का जिस तरीके से राजनीतिकरण करके सेना के पीछे छुप करके वोट की राजनीति करी, और वही सेना और वही शहीदों के परिवार जब कल ओत हुई तो वो नदारद थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक रंजिश के चलते जो मामले थे उन लोगों को वहाँ बुलाया गया। तो ये सारे मामले कहीं ना कहीं देश प्रेम, मानवता, इन सब से ऊपर उठ करके राजनीति से प्रेरित मामले। कांग्रेस के ग्राफ में वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई और हरियाणा के अंदर भी हम लोग जहाँ पिछले चुनाव में हमारा वोट शेयर करीबन 22% के आसपास था, वो आज बढ़कर के 28%।